नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का महिंद्राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपकी सबसे फेवरेट क्लास यानी कि एसएससी सीएचएसएल की क्लास के साथ में। और आज फिर से हम लोग यहां पर लाइव टेस्ट करने वाले हैं 30 प्रश्नों का। देखिए हम हट गए थोड़ा सा, आप देख सकते हैं यहां पर ये 30 प्रश्नों का टेस्ट होने वाला है। इस 30 प्रश्नों के टेस्ट में कितने मार्क्स आएंगे ये आज देखना है। जैसा कि कल की क्लास की अगर हम बात करें, कल की क्लास में आप सारे लोगों ने कहा बहुत ही उमदा क्वेश्चन थे, तो निश्चित रूप से जो क्वेश्चन रहे हैं आपके वो सारे के सारे क्वेश्चन हम ऐसे ही इसी लेवल के क्वेश्चन रखने वाले हैं, ताकि आपका जो सीजीएल का एग्जाम है, अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी आप लोगों का एडवांटेज हो। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो एनटीपीसी में भी आपके एडवांटेज रहे हैं क्वेश्चन, यानी कि आपके ओवरऑल सारे एग्जाम में सीएचएसएल के लिए विशेष कर ये क्वेश्चन हम बनाते हैं। तो याद रखिएगा, इन सारे के सारे क्वेश्चन से आपको निश्चित रूप से लाभ होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आपके सामने गुलजारीलाल नंदा ने कितनी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है, क्या वो एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार? फटाफट आंसर करिए। गुलजारीलाल नंदा ने कितनी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है, आंसर करो भाई। देखो गुलजारीलाल नंदा की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट प्लानिंग कमीशन के, किसके, प्लानिंग कमीशन के पहले उपाध्यक्ष, प्लानिंग कमीशन के पहले उपाध्यक्ष अगर पूछे जाएं तो पहले उपाध्यक्ष आप गुलजारीलाल नंदा बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? गुलजारीलाल नंदा। ठीक है, प्लानिंग कमीशन के पहले उपाध्यक्ष भी गुलजारीलाल नंदा बने, पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी गुलजारीलाल नंदा बने। कब बने? जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई। जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु होने के बाद में कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा बने। दूसरे, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद में भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारीलाल नंदा साहब बने। तो यह आंसर क्या हो गया आपका? दो बार। ठीक है, याद रहेगा। अब अगर हम प्रधानमंत्रियों में बात करते हैं, सबसे अगर पूछा जाए सर्वाधिक आयु के अभी तक के प्रधानमंत्री तो मोरारजी देसाई, नोट कर लेना भाई, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को भारत रत्न कब दिया गया? 1991 में। अगर पूछा जाए अभी तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री तो राजीव गांधी जी का नाम हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। इनको भी 1991 में भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया भाई। क्लियर हो गई भाई बात, ये यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब जल्दी से आपको एक क्वेश्चन ये बताना है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए ये बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताइए। प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? पच्चीस साल, ईसानी 25 साल। देखिए बिल्कुल स्मार्ट आंसर है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी एज 25 साल, और प्रधानमंत्री लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है, राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। अगर लोकसभा का होगा तो ऑब्वियसली 25 साल एज हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध निर्वाचित होने वाले दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा, वीवी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब? कौन थे निर्विरोध निर्वाचित होने वाले दूसरे उपराष्ट्रपति? हमने राष्ट्रपति नहीं पूछे। अब देखो यहां पर क्वेश्चन से पहले समझ लेंगे, अगर पूछा जाए निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति तो नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी ये निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति। अगर पूछा जाए दूसरे चरण की मतगणना से विजयी होने वाले राष्ट्रपति तो याद रखिएगा वीवी गिरी हो जाएंगे। अगर पूछा जाए सिख राष्ट्रपति तो ज्ञानी जैल सिंह, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पहले दलित राष्ट्रपति के आर नारायणन। लेकिन पूछा गया है दूसरे ऐसे उपराष्ट्रपति जो कि निर्विरोध निर्वाचित हुए, आंसर आ रहा है वीवी गिरी, वीवी गिरी आंसर आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं
कि सर शंकर दयाल शर्मा भी होना चाहिए, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो गया भाई? भाई यहां पर पूछा गया है आपसे उपराष्ट्रपति वीवी गिरी तो कैसे हो गए, द्वितीय चरण की मतगणना से जीतने वाले राष्ट्रपति, सही उत्तर क्या हो गया आपका? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अगर पूछा जाए निर्विरोध निर्वाचित होने वाले पहले उपराष्ट्रपति तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अगर पूछा जाए पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे। जान लेते हैं यहां पर, देखिए ये सारे उपराष्ट्रपतियों का यहां पर तस्वीर लगी हुई है, देख सकते हैं आप लोग। अब हम लोग इसके माध्यम से जान लेते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति भारत के अनओपोज्ड, यानी कि ये निर्विरोध निर्वाचित हुए। डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति और पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति, दोनों डॉक्टर जाकिर हुसैन ही हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगर बात करें वीवी गिरी, ये अनओपोज्ड नहीं थे उपराष्ट्रपति के रूप में, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। उसके बाद में गोपाल स्वरूप पाठक उपराष्ट्रपति बने, फिर बी डी जत्ती उपराष्ट्रपति बने। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं मोहम्मद हिदायतुल्ला, ये भी आपके अनओपोज हो गए। अगर बात करें शंकर दयाल शर्मा तो शंकर दयाल शर्मा भी अनओपोज हो गए, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब वहां पर ऑप्शन में हमने कहीं भी मोहम्मद हिदायतुल्ला का नाम ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आंसर क्या होगा आपका? शंकर दयाल शर्मा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब पूछा जाए लगातार दूसरे टर्म के लिए, तो लगातार दूसरे टर्म के लिए दो लोग देख सकते हैं, एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब को देख सकते हैं और दूसरे अगर हम बात करते हैं मोहम्मद हामिद अंसारी साहब को, लगातार दो टर्म के लिए उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया है। भैया क्लियर हुआ ये बात? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये चीज आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन चर्चा चली, 60 दिन, 14 दिन, 6 महीने या 114 दिन? आंसर करिए, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन चर्चा चली? भैया बिना अपोजिट होता निर्विरोध, एकदम सही, अनअपोज्ड बोलते हैं अंग्रेजी में। आंसर करो भाई। देखो संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को और वहां से लेकर के संविधान निर्मित हुआ 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है। अब यहां से लेकर के यहां तक टोटल जो चर्चा चलती है कितना हो गया, 114 दिन, ठीक है। समय लगता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछा जाए 14 दिन, बहुत महत्वपूर्ण है संविधान में 14 दिन, याद रखिएगा। जब भी धन विधेयक होता है, धन विधेयक राज्य लोकसभा में प्रस्तुत होगा, लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा उसको कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है? सिर्फ 14 दिन तक, ठीक है। 6 महीने भी संविधान में बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। जब भी कहीं पर लोकसभा चुनाव होंगे, कहीं पर विधानसभा चुनाव होंगे, संसद के दोनों सदन होंगे, याद रखिएगा, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, संसद के दो सदन, यानी कि जब सीट रिक्त है लोकसभा की तो 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाना आवश्यक है, विधानसभा में भी 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना आवश्यक है सीट के रिक्त होने पर, अगर कोई वहां पर सिटिंग नहीं है एमपी या एमएलए। दो सदनों के मध्य में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो 6 महीने 14 दिन 114 दिन, ये आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बौद्ध परिषद में बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान में विभाजित किया गया था? आंसर करिए, हीनयान और महायान में विभाजित किया गया था, प्रथम बौद्ध परिषद में, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में? आंसर करो भाई, आंसर करिए भाई। देखो समझना है इसको, अगर बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करते हैं, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई हैं। फर्स्ट वाज कंडक्ट इन राजगृह, कहां पर? राजगृह में, ठीक है। सेकेंड वाज कंडक्टेड इन वैशाली, सेकेंड वाज इन वैशाली। थर्ड वाज इन पाटलिपुत्रा एंड फोर्थ वाज इन कुंडलवन कश्मीर।
ठीक है, चार जगह पर यह बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजित की गई हैं, याद रखिएगा, पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, हीनयान एंड महायान ये आपके बनाए गए हैं, किसमें, चौथी बौद्ध संगीति में ये बने हैं। अब अगर पूछा जाए स्थविर और महासंघिक, तो स्थविर और महासंघिक आप बताएंगे सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में बनाए गए। स्थविर और महासंघिक कब बताए गए, सेकेंड बुद्ध काउंसिल में बनाए गए, ठीक है। अब अगर पूछा जाए अभिधम्म पिटक की रचना किस बौद्ध संगीति में हुई, तो याद रखिएगा तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना हुई। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, पहली वैशाली कहां पर राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में, दूसरी वैशाली के बालुकाराम बिहार में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कश्मीर के कुंडलवन में, ठीक है, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, चौक के आगे लिखा हुआ है CaCO3, हॉर्न सिल्वर के सामने लिखा हुआ है AgCl, मार्बल के सामने लिखा हुआ है CaCO3 और फिर गैलेना के सामने लिखा हुआ है PbO2, क्या सही आंसर होगा, जिसमें आपको कौन सा सही नहीं है ये बताना है। देखो तीन पिटक हैं, एक हो गया बेटा सुत, दूसरा विनय और तीसरा अभिधम्म, इसमें उपदेश है, विनय में नियम है, अभिधम्म में दर्शन है, याद रखना है। आंसर आ रहा है गैलेना, बिल्कुल सही है, गैलेना प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि गैलेना ये किसका अयस्क है, पीबी सीसा का अयस्क है, लेड का, मार्बल को CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, हार्न सिल्वर को सिल्वर क्लोराइड कहते हैं, चाक को भी हम लोग CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, गैलेना ये सीसा का अयस्क है, हॉर्न सिल्वर पूछा जाए तो ये Ag यानी कि चांदी का अयस्क माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न जानने से पहले यहां पर देख लेते हैं, चाक एक नरम सफेद झरझरा अवसादी कार्बोनेट चट्टान है जो चूना पत्थर का एक रूप है, किसका रूप है, और खनिज कैल्साराइट से बना होता है, कैल्साराइट एक आयनिक नमक है जिसे कैल्शियम कार्बोनेट या CaCO आयन के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ईमेल पते में उपयोग के लिए एट द रेट को किस वर्ष में चुना गया, 1976 में, 1972 में, 1980 में या 1984 में, ईमेल पते में उपयोग के लिए एट द रेट लिखते ना, नाम लिखा @gmail.com, @yahoo.com, कुछ भी लिखते हैं सब, सारे के सारे जितने प्लेटफॉर्म है @ लगाते हैं, क्या आंसर होगा भाई, आंसर करो। जो लोग कह रहे हैं वो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर जाएंगे, ठीक है, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में हुआ है, और याद रखना है समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द इसके माध्यम से जोड़े गए, लेकिन जो ईमेल के उपयोग में अगर हम बात करते हैं @, तो 1972 में, याद रखिएगा 1972 में रे टॉमिल्सन को ईमेल के आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है, उन्होंने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर संदेश भेजने के लिए कीबोर्ड @ प्रतीक को चुना था। अगला प्रश्न, पंजाब के निम्नलिखित में से किस शहर को रामदासपुर के नाम से जाना जाता था, फिरोजपुर, अमृतसर, जालंधर या लुधियाना, ईमेल रे टॉमिल्सन, वाइज मेल वी पालसन, आईसी चिप्स, जैक्स किल्वी, WWW टिम वर्नर्स ली, इंटरनेट विंड सर्फ, आंसर करो भाई। देखो समझना है इसको, पंजाब के निम्नलिखित में से किस शहर को रामदासपुर, अब याद रखिएगा गुरु रामदास ने किसको, अकबर को, अकबर ने गुरु रामदास को जमीन दान में दी और वहां पर अमृतसर नामक शहर का निर्माण किया गया, याद रखिएगा यहां पर गोल्डन टेंपल भी है, गोल्डन टेंपल यानी कि स्वर्ण मंदिर है, जालंधर, लुधियाना, फिरोजपुर, इसमें फिरोजपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई, लुधियाना अगर पूछा जाए तो भारत में मर्सिडीज वेंच
जो गाड़ी है मर्सिडीज के उसके जितने भी पार्ट्स बनने का कारोबार है वो कहां पर होता है, मेनली लुधियाना में होता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई, क्लियर है। अगला प्रश्न, 1977 में सिखों के चौथे गुरु थे गुरु रामदास जी, इन्होंने अमृतसर नामक एक पवित्र सरोवर अमृत सारस था जिसके नाम पर इस शहर का नामकरण हुआ और इसके किनारे ही अमृतसर शहर की स्थापना इन्होंने की थी। अंतरिम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन थे, लियाकत अली साहब, आसफ अली, जगजीवन राम या राजेंद्र प्रसाद जी, कौन थे अंतरिम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री, ये बताना है आपको, जल्दी से आंसर करिए। बिल्कुल 1577 है, एकदम सही है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, वित्त मंत्री पूछा गया है तो लियाकत अली साहब हो जाएंगे, आसफ अली साहब रेलवे मिनिस्टर, ठीक है याद रखना है आपको, राजेंद्र प्रसाद साहब खाद्य रसद विभाग के मंत्री, जगजीवन राम साहब की बात करेंगे तो ये लेबर मिनिस्टर हो जाएंगे। पूरा देखिए मंत्रिमंडल आपके सामने है, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस, होम अफेयर्स एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग वल्लभ भाई पटेल हैं। अगर बात करें हम एग्रीकल्चर फूड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अगर हम बात करें कॉमर्स, याद रखिएगा सीएच भावा साहब कॉमर्स मिनिस्टर हैं। डिफेंस मिनिस्टर अगर पूछा जाए तो बलदेव सिंह, कई बार ये पूछा जा चुका है। फिनांस मिनिस्टर अगर पूछा जाए आर के सनमुखम शेट्टी साहब फिनांस मिनिस्टर हैं। अगर पूछा जाए इंडस्ट्री एंड सप्लाई तो राजगोपालाचारी साहब हैं। लेबर मिनिस्टर जगजीवन राम साहब हैं। लॉ मिनिस्टर सैयद अली जहीर हैं और रेलवे एंड कम्युनिकेशंस पोस्ट एंड एयर आसफ अली साहब हैं। एंड वर्क माइंस एंड पावर अगर पूछा जाए तो शरद चंद्र बोस साहब हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहली बार पाठ्यक्रम में, स्कूल के पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में पर्यावरण को शामिल किया, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, केरल या सिक्किम, आंसर करिए। भैया अभी रिसेंटली मामला था, कुछ लोग कह रहे हैं उत्तराखंड, कुछ लोग कह रहे हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड उत्तराखंड आंसर आ रहा है, लेकिन सही उत्तर क्या है भाई, महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। उत्तराखंड राज्य की स्थापना अगर पूछी जाए तो कहेंगे 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई। किस राज्य से कटके, उत्तर प्रदेश से कटके उत्तराखंड की स्थापना होती है। अगर पूछी जाए फूलों की घाटी, कहां पर फूलों की घाटी, तो आंसर क्या हो जाएगा, चमोली उत्तराखंड में है। महाराष्ट्र की अगर बात करें, इसकी राजधानी मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी है। केरल की बात करें तो सबसे पहले अगर मानसून भारत में प्रवेश करेगा तो कहां पर प्रवेश करेगा, केरल में। सिक्किम की बात करें तो याद रखिएगा, अगर जैविक राज्य पूछा जाए, पहला जैविक राज्य, तो आपका आंसर क्या हो जाता है, ये सिक्किम का नाम वहां पर आता है। कैपिटल इसकी गैंगटोक है। ठीक है भैया, अगला प्रश्न, सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है, एमबीटी, एफएसटी, अलाउद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन खिलजी, किसको कहा जाता है सल्तनत युग का अकबर, फटाफट आंसर करिए। भैया पहले सबसे पहले महाराष्ट्र है, उत्तराखंड नहीं है सबसे पहले, ठीक है आंसर करिए इसका। सल्तनत युग का अकबर, सबसे पहले अकबर का नाम आ गया तो आप याद रखिए, क्योंकि जितने वेलफेयर वर्क्स होंगे, अगर वेलफेयर वर्क्स की बात आएगी कल्याणकारी कार्यों की, तो कल्याणकारी कार्य करने वाला है फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा। इसने दारुल सफा, दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात, पेंशन विभाग, इस्तिहाक, दीवाने इस्तिहाक, इन सबकी स्थापना की। अगर बात किया जाए हिसार का स्थापना, अगर बात किया जाए फिरोजाबाद की स्थापना, अगर बात की जाए फिरोजपुर की स्थापना, ठीक है,
इन सभी की स्थापना जौनपुर की भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई, तो सल्तनत युग का अकबर किसको कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। अगर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पूछा जाए तो याद रखिए 1336 और 1347 इसके समय की दो महत्वपूर्ण डेट हैं। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, 1347 में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। अलाउद्दीन खिलजी, अगर आपसे पूछा जाए हौज खास की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी, अगर पूछा जाए अलाई दरवाजा की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अगर पूछा जाए जमायत खाना मस्जिद तब भी किसने बनवाई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाई गई। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट होगा इसके अलाउद्दीन खिलजी के। अगला प्रश्न, साइनाइड विधि से किसका निर्माण किया जाता है? चांदी का, सोना का, तांबा का या जस्ता का? साइनाइड विधि के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? आंसर कीजिए। देखो भैया, चांदी, अभी हमने एक अयस्क बताया था, हॉर्न सिल्वर, ठीक है। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा विद्युत का सुचालक, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? चांदी हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए सोने को लचीला बनाने के लिए कौन सी धातु उसमें मिलाई जाती है, तब आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओगे, सोने को लचीला बनाने के लिए उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? क्योंकि 24 कैरेट होता है शुद्ध सोना, कितने 24 कैरेट होता है। क्या 24 कैरेट का सोना एकदम कोई पहनता है? हम लोग जरूर कहते हैं हॉलमार्क है 24 कैरेट है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कठोरता के लिए मिलाया जाता है ताकि वो स्थिर रहे, तो कौन सी चीज मिलाई जाती है ये बताएंगे, जल्दी से आंसर करिए। तांबा, बिल्कुल सही, तांबा मिलाया जाता है कॉपर, ठीक है। कॉपर माइन जस्ता माइन की बात करते हैं तो जावर, ये कहां पर है? राजस्थान में है। अगर खेतड़ी की बात करें, ये खेतड़ी, ये किसका है? तांबे की खान है। ये कहां पर? झुंझुनू, ये झुंझुनू राजस्थान में है, ठीक है भैया, बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न, ये उत्तर सही क्या हो गया? साइनाइड विधि, सोना, जो सोने के अयस्क हैं उससे बनाया जाता है क्या? सोना। अगला, ग्रैंड स्लैम में दूसरे स्थान पर कौन सा होता है? फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन या विंबलडन? कौन सा होता है ग्रैंड स्लैम में दूसरे स्थान पर? फटाफट आंसर करो भाई। देखो, ग्रैंड स्लैम की बात हो रही है, ग्रैंड स्लैम में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपन, दूसरे नंबर पर फ्रेंच ओपन, तीसरे नंबर पर विंबलडन, चौथे नंबर पर यूएस ओपन सबसे बाद में, ठीक है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपन नंबर एक पर लिखते हैं, नंबर दो पर फ्रेंच ओपन लिखते हैं, नंबर तीन पर लिखते हैं विंबलडन, और नंबर चार पर लिखते हैं यूएस ओपन सबसे अंत में। तो प्रश्न में पूछा गया दूसरे पर, तो दूसरे पर कौन सा होता है आपका? फ्रेंच ओपन। बात समझ में आ गई। अगर पूछा जाए सबसे पुराना ओपन कौन सा है इनमें से, ग्रैंड स्लैम में सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? विंबलडन। हरी घास पर कौन सा खेला जाता है? विंबलडन। क्ले कोर्ट पर कौन सा खेला जाता है? तो याद रखिएगा, फ्रेंच ओपन, ठीक है भैया, क्ले कोर्ट लाल बजरी पर। अगला क्वेश्चन, इरूला लोग किस राज्य से संबंधित हैं? तमिलनाडु, केरल से, या केरल और आंध्र प्रदेश से, केवल तमिलनाडु से? आंसर करिए। हाँ, विंबलडन सबसे पुराना है, बिल्कुल सही है, क्ले कोर्ट बोलते हैं, फ्रेंच ओपन, बिल्कुल। राफेल नडाल को कहते थे रोला गैरो, बादशाह, एकदम सही है, लाल बजरी का बादशाह राफेल नडाल, बिल्कुल सही है। आंसर करिए भैया। इरूला लोग की अगर हम बात करते हैं तो ये तमिलनाडु में मुख्यतः पाए जाते हैं, लेकिन तमिलनाडु के साथ साथ केरल में भी इरूला लोग पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहां पर आपको दिख रहा है तमिलनाडु केवल, और केरल और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की अगर एक नृत्य की बात करें तो याद रखिएगा कुचिपुड़ी, यहां का बहुत प्रसिद्ध नृत्य है। अगर तमिलनाडु की बात करें तो भरतनाट्यम, कौन सा? भरतनाट्यम यहां का प्रसिद्ध नृत्य है। अगर पूछा जाए टोडा,
टोडा जनजाति कहां पर है, इसकी खासियत क्या है टोडा की, यह भैंस पालक जनजाति है और कहां पर पाई जाती है, नीलगिरी में। कहां पर पाई जाती है, नीलगिरी में यह जनजाति पाई जाती है, यह याद रखना है। ठीक है भैया, अगला प्रश्न, तेलंगाना किस स्थान से, जो तेलंगाना जो है वो किस स्थान से संबंधित है, यानी कि तेलंगाना जो है आपको बताना है इनमें से किस स्थान से संबंधित है, तलचर से, रामागुंडम से, कोरबा से या भिलाई से, फटाफट आंसर करिए। तेलंगाना निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है, भाई तेलंगाना का निर्माण सारे लोग जानते ही हैं, भारत का 29वां राज्य था, अब -1 कर दो तो कहेंगे 28वां राज्य है, कहेंगे ना ये, क्योंकि जम्मू कश्मीर क्या हो गया, एक यूटी हो गया। रामागुंडम एकदम सही है, ये आपका सही उत्तर है। तलचर अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे ओडिशा में है, अगर कोरबा पूछा जाए तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़ में है, भिलाई पूछा जाए तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़ में है। कोरबा को हम लोग ऊर्जा राजधानी के रूप में जानते हैं, छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी, एनर्जी कैपिटल है वो आपकी कोरबा जानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के अलावा निम्नलिखित में से किन देशों में एक तमिल एक आधिकारिक भाषा है, श्रीलंका सिंगापुर, श्रीलंका मॉरिशस, मॉरिशस मलेशिया या मलेशिया और इंडोनेशिया, कहां पर है तमिल एक आधिकारिक भाषा, यह बताना है आपको, फटाफट आंसर करिए। देखो एक तो इजीली निकल आएगा श्रीलंका, अब इसके साथ में मॉरिशस रहेगा, मलेशिया रहेगा, इंडोनेशिया रहेगा, सिंगापुर रहेगा, सही उत्तर क्या होगा भाई, सिंगापुर एंड श्रीलंका, बिल्कुल सही है, सिंगापुर एंड श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी, ठीक है, मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, तो मॉरिशस की कैपिटल क्या होगी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए मॉरिशस की कैपिटल क्या है। तब तक हम जान लेते हैं तमिल भाषा के बारे में, भारत के अलावा श्रीलंका सिंगापुर में तमिल एक आधिकारिक भाषा है और सबसे पुरानी अगर पूछा जाए ओल्डेस्ट, तो ओल्डेस्ट भी हम लोग कहेंगे तमिल है, कौन सी है, तमिल है ओल्डेस्ट लैंग्वेज, ठीक है, यह भी याद रखना है। मलेशिया में मॉरिशस में एक कैसी मान्यता प्राप्त एक अल्पसंख्यक भाषा है, अगर पूछा जाए इसमें मॉरिशस में तो याद रखिएगा भोजपुरी, अगर भोजपुरी की बात आती है तो मॉरिशस की एक राजकीय भाषा के रूप में भोजपुरी विकसित है। ठीक है, अगला प्रश्न, कल्पोंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य में स्थित है, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली या लक्षद्वीप, फटाफट आंसर करिए, सही उत्तर क्या होगा, कल्पोंग जल विद्युत परियोजना, मॉरिशस की बिल्कुल पोर्ट लुइस एकदम सही है, आंसर करिए भाई। देखो समझना है इसको, कल्पोंग पूछा गया है तो कल्पोंग जो है वो आपका अंडमान निकोबार में है, अगर पूछा जाए आपसे सोमपेन, क्या पूछा जाएगा, सोमपेन, सोमपेन कहां का ट्राइब है, अंडमान निकोबार, सेंटेनलीज कहां का है, अंडमान निकोबार, याद रखना है। तेलंगाना 2 जून 2014 को बना, कब बना, 2 जून 2014 को तेलंगाना का निर्माण हुआ है। दादरा नगर हवेली अगर कैपिटल पूछी जाए तो आप बता सकते हैं सिलवासा यहां की कैपिटल है, ठीक है, लक्षद्वीप अगर पूछा जाए तो कवारत्ती, कौन सी कैपिटल है, कवारत्ती लक्षद्वीप की कैपिटल है, याद रखना है। अगर पूछा जाए अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसेस कौन सा केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो लक्षद्वीप की। सबसे कम साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार किसकी है, तो याद रखिएगा दादर नगर हवेली, ठीक है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ में कौन सा सही मेल खाता है, चीन के आगे सामने लिखा हुआ है टेनिस, कनाडा के सामने लिखा हुआ है हॉकी, और अमेरिका के सामने लिखा हुआ है बास्केटबॉल, और श्रीलंका के सामने लिखा हुआ है वॉलीबॉल, इसमें आपको करेक्ट मैच्ड कौन सा है ये बताना है।
बताइए भाई, फटाफट आंसर करिए। भैया एक ही मिल रहा है, करेक्ट मैच्ड पूछा गया है। सही उत्तर क्या हो गया आपका? श्रीलंका का वॉलीबॉल है, टेबल टेनिस चीन का, आइस हॉकी कनाडा का, अमेरिका का बेसबॉल। ठीक है, याद रखना है। क्या हो जाएगा? अमेरिका का बेसबॉल। तो सही उत्तर क्या हो गया? श्रीलंका का वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी, हॉकी में 11 खिलाड़ी, टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी। ठीक है, चीन का टेबल टेनिस, कनाडा का आइस हॉकी, अमेरिका का बेसबॉल 9 प्लेयर्स, श्रीलंका का वॉलीबॉल 6 प्लेयर्स। अगला प्रश्न, कौन सा जोड़ा गठन, यानी कि जब स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ तब कौन सा जोड़ा गलत है? बहुत आसान है, देखिए ईयर 2000 है। अब इसमें याद रखना है, ईयर 2000 में, बहुत आसान है। अगर पूछा जाए आपसे 25वां, 26वां और 27वां, 27वां राज्य हो गया उत्तराखंड, ठीक है, 25वां राज्य हो गया छत्तीसगढ़, 26वां राज्य हो गया ये झारखंड, ठीक है, ये सारे के सारे मैच्ड हैं, लेकिन तेलंगाना ये 29वें राज्य के रूप में बना था, लेकिन 12 जून नहीं, यहां पर 12 की जगह अगर 2 कर दो तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो गया आपका? तेलंगाना 12 जून को नहीं, 2 जून 2014 को बना है। अगला प्रश्न, कौन सा खानों और उनके स्थानों के संदर्भ में सही मेल नहीं खाता है? कोडरमा के सामने अवरक है, पन्ना के सामने हीरा लिखा हुआ है, डायमंड पन्ना हीरा, और फिर क्योंझर मैंगनीज लिखा हुआ है, फिर भूटान के सामने लिखा हुआ है टंगस्टम। जल्दी से आंसर करिए। अब देखो ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। कोडरमा को हम लोग अभरक मंडी कहते हैं, माइका बिल्कुल झारखंड के कोडरमा में होता है, एकदम सही है। हीरा पन्ना कहां पर? मध्य प्रदेश में होता है, याद रखिएगा। मैगनीज ये कहां पर? उड़ीसा में, उड़ीसा में होता है। टंगस्टम भोटंग नहीं, ये हम लोग कहेंगे जावर, जस्ता। ठीक है, अगर पूछा जाए अब टंगस्टम तो भोटंग क्या सही उत्तर हो जाएगा? सही ढंग से मेल नहीं खाता है, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला प्रश्न, भारत के सबसे वयोवृद्ध प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई किस प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं? ये बताना है आपको, गुजरात, मद्रास, बॉम्बे या मध्य प्रदेश। देखिए मोरारजी देसाई साहब जब सारी प्रेसिडेंसीज थी तो प्रेसिडेंसी में ये बंबई प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। गुजरात के अगर मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी साहब गुजरात के मुख्यमंत्री कब बने थे? केशुभाई पटेल के बाद में, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, और 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद आनंदीबेन पटेल जी गुजरात की चीफ मिनिस्टर हुई, नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, और इन्होंने एक टर्म कंप्लीट किया। उसके बाद में 2019 में 17वीं लोकसभा में भी नेता बने बहुमत प्राप्त दल के, और प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार इन्होंने शपथ ली। ठीक है, मद्रास के संस्थापक फ्रांसिस डे, बंबई के संस्थापक गेराल्ड उंगियार को कहा जाता है, मध्य प्रदेश भारत का हृदय स्थल, सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब वाला प्रदेश भी मध्य प्रदेश है। ठीक है भैया, अगला प्रश्न, परिशिष्ट पर्वन के लेखक कौन है? महानाम है, मेगस्थनीज है, हेमचंद्र है, अकबर है? देखो याद रखिए, रिवीजन मस्ट है, इसलिए हम बहुत सारे कुछ क्वेश्चन ऐसे रखते हैं जो आपको ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी में, तो वो भी क्वेश्चन रखते हैं जानबूझ के, ताकि आप लोग देखना चाहते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन हम घुमा दे रहे हैं आज, ताकि आपको पुराना अगर आपने पढ़ा होगा तब आप आंसर कर पाएंगे। रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है।
देखो भैया, परिशिष्ट पर्वन के लेखक पूछा जाए तो ये हेमचंद रहे, ठीक है। मेगस्थनीज पूछा जाए तो इंडिका, इंडिका की रचना किसने की, मेगस्थनीज ने। अकबर अगर पूछा जाए, अकबर एक ऐसा मुगल सम्राट है जिसका मकबरा गुम्बद रहित है और इनिशियल रिफॉर्म 1562 1563 1564, 62 में दास प्रथा समाप्त किया, 63 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया और 64 में अकबर ने जजिया कर की भी समाप्ति की थी। अगला प्रश्न, कुवम नदी किस शहर में है, कानपुर में, लखनऊ में, चेन्नई में, झांसी में। समझना है, देखो कानपुर में है गंगा, कानपुर में है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर में है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, ठीक है, यह भी याद रखना है। लखनऊ है गोमती नदी के किनारे, लखनऊ में नवाब आसफुद्दौला के द्वारा बनवाया गया बड़ा इमामबाड़ा है, लखनऊ में CDRI है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। चेन्नई की अगर बात करते हैं तो भारत में लोकेशन अगर बात करेंगे तो साउथ ईस्ट इसकी लोकेशन हो जाएगी चेन्नई की। झांसी की अगर हम बात करेंगे तो झांसी 1857 के विद्रोह के समय में रानी लक्ष्मीबाई से झांसी शहर कनेक्ट रहा, ठीक है भैया, याद रहेगा, ये क्लियर है। ये प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, कुवम नदी, तो आपका उत्तर क्या हो गया, ये चेन्नई हो गई भैया, ठीक है। अगला प्रश्न, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, परमहंस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डेरेजियो या राधाकांत देव। देखो समझना है, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु, और स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त, ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1905 के स्वदेशी आंदोलन से संबंधित, 7 अगस्त 1905। हेनरी विवियन डिरेजियो, ये संबंधित हैं यंग बंगाल आंदोलन से, किससे संबंधित हैं, यंग बंगाल आंदोलन से। राधाकांत देव की अगर बात की जाए तो धर्म सभा से संबंधित कौन है, राधाकांत देव है, ठीक है। यह प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, राष्ट्रवादी कवि डेरेजियो हो गए। अगला प्रश्न, बाबा धाम कहां स्थित है, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, तो उत्तर हम ऐसे बता दे रहे हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, झारखंड में। और अगर पूछा जाए तो पूरन मल्ले, पूरन मल्ले इसका निर्माण कराया था। उत्तराखंड फूलों की घाटी है, झारखंड में एक सम्मेद शिखर भी है, याद रखना, सम्मेद शिखर ये झारखंड में है, याद रखना है, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में। राजस्थान की बात करें, भारत का एक ऐसा राज्य जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, ठीक है। तो आज हमको यहाँ पर रुकना पड़ेगा क्योंकि समय समाप्त हो चुका है, 5 क्वेश्चन हमारे शेष रह गए थे। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन ये डिस्कस करेंगे। अगर अच्छा लगे हो भाई क्वेश्चन तो लाइक जरूर करेंगे, कमेंट करना एकदम नहीं भूलिएगा, और शेयर सारे बच्चे करेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर से मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। याद रखिए, जो पहले के क्वेश्चन हमने कराए हैं उन क्वेश्चन से भी हम बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो अगर प्रीवियस क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो देख लीजिए, एक टेस्ट बहुत धमाकेदार हम रखने वाले हैं और जो नॉन स्टॉप रहेगा, कम से कम 50 क्वेश्चन का टेस्ट हम लेने वाले हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर से मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।